दोस्तों यदि आप भी एक जियो यूजर हैं, यानी कि जियो का सिम आपने अपने मोबाइल में डाल रखा है तो ये जानकारी को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सुनिएगा, अपने दोस्तों में अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जियो के कुछ ऐसे रिचार्ज के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं जिसको यदि आप भूल से भी कर लेते हैं तो आपको नुकसान की जगह पर कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ना तो आप कॉल कर पाइएगा और ना SMS कर पाइएगा, ना आप इंटरनेट यूज कर पाइएगा। तो ऐसे जानकारी से आपको अवेयर रहना है और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है। एक सब्सक्राइबर के साथ ये घटना हुई तो सोचा कि सभी सब्सक्राइबर भाई बहन जितने हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको ये जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रिचार्ज हैं जिसको हम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा नुकसान ही होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी जानकारी को जानते हैं। तो इससे पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आप किस सिम को ज्यादातर यूज करते हैं, जियो एयरटेल BSNL या वी का सिम यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये पहला रिचार्ज है कि आप यदि स्मार्टफोन में अपना सिम यूज करते हैं जियो का, तो ये यदि 12 तरह के रिचार्ज जो कि आप लिस्ट में अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा रिचार्ज यदि कराते हैं इसमें से कोई भी रिचार्ज तो आपका काम नहीं करेगा, आप आउटगोइंग और SMS नहीं कर पाइएगा, ठीक है। और ये क्यों नहीं कर पाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ जियो फोन यूजर के लिए दिया गया है। स्मार्टफोन के लिए कम से कम मिनिमम रिचार्ज 119 रुपये का आता है, जिसमें कि आपको 14 दिन की वैलिडिटी मिलती है, 1.5 GB डेटा रोज मिलता है। तो सबसे कम कीमत का रिचार्ज है जो स्मार्टफोन के लिए वो 119 रुपये का आता है। बाकी आप देख सकते हैं कि 75 रुपये से स्टार्ट है और 895 रुपये तक इसका कीमत जाता है। यदि इनमें से कोई भी रिचार्ज आप कराते हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ जियो फोन में काम करेगा, स्मार्टफोन में यदि सिम डाले हैं तो नहीं करेगा, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, कई बार दोस्तों हमारा डेटा खत्म हो जाता है और वैलिडिटी भी खत्म रहती है और हम 15 रुपये 25 रुपये इस तरह से डेटा के लिए रिचार्ज करते हैं तो भी आपको वैलिडिटी प्लान यदि आपके एक्टिव रहेंगे मोबाइल में तभी काम करेंगे। तीसरा रिचार्ज है कि कई बार हम 10, 20, 50, 100 या 1000 रुपये का रिचार्ज करा लेते हैं तो ये भी प्लान आपको काम नहीं करेगा, इसका भी पैसा आप रिचार्ज कराएंगे तो बर्बाद होगा। तो इस ये क्यों नहीं काम करेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल यूज के लिए है। कोई भी व्यक्ति यदि मोबाइल में सिम जियो का डालकर विदेश में जाता है तो ये टॉक टाइम के रूप में काम करेगा। तो ये तीन तरह के प्लान हमने आपको बताया कि एक प्लान तो है जो कि 12 तरह के हैं और इसमें आप सिर्फ जियो फोन में ही यूज कर पाइएगा। दूसरा ये जो प्लान है दोस्तों केवल बेस प्लान पर ही आपका यदि डेटा लेना है तो काम करेगा। और तीसरा प्लान है जो कि इंटरनेशनल यूज के लिए है। तो यदि कुछ भी डाउट हो, आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए ही है और आप आसानी से कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं और कोई भी सुझाव राय ले सकते हैं या कोई भी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें सुझाव भी दे सकते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो लाइए। जितने ज़्यादा आप कमेंट करेंगे उतने ज़्यादा चांस रहेगा कि आपके लिए वीडियो नई नई आ सके। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। लाइक सब्सक्राइब शेयर तो आप कर ही दिए होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।